बहुत 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 धन्यवाद इस प्यार और उत्साह के लिए जो हमारी बहनें पूरे झारखंड में, झारखंड के हर कोने में, हम लोग पलामू प्रमंडल, कोल्हान और जब दक्षिणी छोटा नागपुर पहुँचे हैं, हमारे पास शब्द नहीं अपनी बहनों का धन्यवाद आभार करने के लिए। मैं आप लोगों का भी आभार करती हूँ, सामने बैठी हजारों की संख्या में महिलाओं का भी आभार करती हूँ और आभार करती हूँ माननीय मंत्री बेबी देवी जी का, जिनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है। लगातार हम लोग अलग अलग राज्य के कोने में घूमते रहे और साथ में बहुत ही ऊर्जावान अपने वक्तव्य को रखने वाली हम लोगों की बहन गांडे विधायक कल्पना जी आज सिमडेगा पहुंचे हैं। भाई भूषण बाड़ा जी हम लोगों के साथ हैं, कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी जी साथ हैं, मंच पर महागठबंधन कांग्रेस जेएमएम के जिलाध्यक्ष, तमाम पदाधिकारीगण, युवा आयोग के राज्य मंत्री विशाल जी और साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई तमाम बातों को और इस राज्य को कैसे 5 साल में आगे बढ़ाने का काम हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको बहुत विस्तार से कल्पना जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। मैं बातों को बहुत ना दोहराते हुए सिमडेगा में जो उदाहरण है वो आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जहाँ यह सभा हो रही है उसके पीछे एक इंटरनेशनल स्टेडियम हॉकी का निर्माण हो रहा है। ये सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है कि अगर हमारा कोई एक क्षेत्र खेल में और शिक्षा में आगे है तो हम उस क्षेत्र को और सशक्त करने के लिए ऐसे काम और योजनाओं को लाएंगे जिससे हमारे लोग, वहाँ के लोगों को, खिलाड़ियों को, भाई बहनों को, सबको फायदा हो। सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति की गई उसका सबसे ज़्यादा इन इलाकों में फायदा हुआ। 12-15 साल से, समझ लीजिए जब से डबल इंजन सरकार रही तब से ही इन चीज़ों को किनारा कर दिया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, देश की प्रगति, राज्य की प्रगति हम लोगों के केंद्र सरकार में बैठे भाजपा के सरकार के प्राथमिकता में है ही नहीं। बेबी देवी जी से और कल्पना जी से आग्रह करूंगी कि 8 तारीख के शाम को हम लोग जलेबी खाएंगे। क्या हरियाणा, हरियाणा से इतना उत्साहवर्धक खबर आ रहा है जम्मू कश्मीर से कि 8 के शाम जब हरियाणा का रिजल्ट आएगा और जम्मू कश्मीर से बहुत सुकून, खुशियों का संदेश आएगा तो हम सब, ऐसे भी पूरे यात्रा में कहीं मूढ़ी घुगनी, कहीं दुस्का, कहीं गुलगुला, पकौड़ी, चाय और जिस इलाके का जो भोजन है वो हम लोगों को बहुत प्यार और स्नेह से हमारे भाई बहन खिला रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगी कल्पना जी से कि 8 तारीख को हम लोग ज़रूर जलेबी खाएंगे भी और मौका लगेगा तो बनाएंगे भी। महाराष्ट्र जाते जाते वड़ा पाव, महाराष्ट्र की जब तक खबर आएगी तब तक हम लोग वड़ा पाव बनाने की स्थिति में हो जाएंगे। खैर, ये खुशियों की बात थी। आप लोगों के पास हम लोग अपनी मन की बातें कहने और आप लोगों के बातों को सुनने के लिए पहुँचे। पूरे यात्रा में जगह जगह बहनें अपनी बातों को कह रही हैं। उस इलाके के जो शिक्षित लोग हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, अनुबंध कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, सभी लोग आकर के अपनी उम्मीदों को हम लोगों के सामने रख रहे हैं और कई जगहों पर वो आभार कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का
कि आपने ऐसी योजना लाई जिससे हमारे जीवन में आसानी हो गया। बिजली बिल 0-0 हुआ, कैसा लगा आप लोगों को? कितने बहनों का बिजली बिल माफ हुआ है? करोड़ों रुपए की माफी राज्य सरकार ने बगैर किसी को लाइन में लगाए। सरकार अगर अच्छा काम करेगी, प्रशासनिक महकमा सही से काम करेगा, तो आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। कितने आसानी से बिजली बिल की माफी हो गई। मुख्यमंत्री जी के विभाग की बात है, हम लोगों को भी सीखने का मौका मिल गया। हम लोगों ने भी तय किया कि कृषकों को भी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा अपने ऋण माफी के लिए। और हम लोगों के आग्रह निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभात तारा ग्राउंड से कार्यक्रम करके बटन दबा के किसानों के 2 लाख ऋण तक माफी करने का काम किया। सरकार की कई योजनाएं तो आप जानते हैं, जिनको अभी कल्पना जी ने बताया वो सब आप लोगों के सामने है, लेकिन कई सारी दूरगामी प्रभाव रखने वाली निर्णय हम लोगों के सरकार ने किया है। अच्छी खेल नीति का नतीजा क्या है? आज असंता लकड़ा, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान खेलने के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार से उन्हें हर तरह का साथ सहयोग है, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी एक सम्मानजनक जीवन और अपने खेल के जितने भी अवसर हैं उसे अपने आसपास अपने इर्द गिर्द मिले, उसकी व्यवस्था हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज सिमडेगा रेल मार्ग से हवाई मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी हॉकी खेलने आएंगे और हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के जो भाई बहन खिलाड़ी हैं उनके हुनर को देखेंगे, उनसे सीखेंगे कि हॉकी कैसे खेला जाता है और कैसे झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो इतना बढ़िया खेल खेल रहे हैं और उन्हें कैसा माहौल सरकार देने का काम कर रही है। राज्य सरकार में काम की गिनती कराना शुरू करें तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जिन योजनाओं से आप लोगों के जीवन पे सीधा प्रभाव पड़ा उन योजनाओं के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं। केंद्र की सरकार झारखंड के लिए भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग कल आकर के पंच प्रण की बात कर रहे हैं। इनके प्रण का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों के समाज में प्राण जाए पर वचन न जाए चलता है, लेकिन इनको जितना जुमला के बाद जुमला देना है वो दे सकते हैं। वो कह रहे हैं हर झारखंडी के पास अपना मकान होगा। जब झारखंड में अबुआ आवास बनना शुरू हो गया है तो आधे झारखंडियों के पास तो अपना आवास हो ही गया है, और जो प्रक्रिया में है उसका कैसे श्रेय लेना है ये भाजपाइयों को अच्छे से पता है कि गाये बगाए कहीं कुछ सीट जीत जाएंगे तो बोलेंगे हमने तो कहा था कि झारखंड में हमारी सरकार लाइए तो आवास मिल जाएगा। 500 रुपये सिलेंडर, कल्पना जी आप ठीक कह रही थी, कॉपी पेस्ट की बीमारी है इनको। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 500 रुपये सिलेंडर अपने मैनिफेस्टो में डाला था, सबके बातों को प्रणों को जगह जगह से लाकर देने का काम करते हैं। राजस्थान में ये 450 रुपये में सिलेंडर देने वाले थे, जम्मू कश्मीर में अभी जाकर के बोले हैं कि 2 फ्री सिलेंडर मिलेगा लेकिन ईद में मिलेगा। तो झारखंड में कुछ, राजस्थान में कुछ, जम्मू कश्मीर में कुछ, और आप पता कर लीजिए कि जैसे इनके 2 करोड़ नौकरियां जुमला है, जैसे 15 लाख जुमला है, वैसे ही राजस्थान में 450 रुपये पे सिलेंडर देने के लिए केंद्र की सरकार ने मना कर दिया। लेकिन हम बहनों का की भावनाओं से खेलकर हमारी परेशानी दिक्कतों पर हमारी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर ये वोट तो ले लेते हैं लेकिन अपने वादा को पूरा करने का काम नहीं करते। झारखंड में 2100 रुपये बहनों को देने की बात कर रहे हैं, बगल में जो अन्य सरकारें हैं
वहां से पता करें कि कितना पैसा महिलाओं के खाते में जा रहा है। इन्होंने मां के नाम पर योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन वो कहीं भी सफल नहीं। सर्जन पेंशन है हम लोगों के यहाँ राज्य सरकार में 1,000 रुपया दिया जाता है। बगल के बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पता कर लीजिए कि झारखंड कमजोर होने के बावजूद, हमारा सारा पैसा लूट करके केंद्र में रखने के बावजूद, अपने बुजुर्गों के सम्मान में 1,000 रुपये प्रति माह उन्हें देने का काम करती है। और बगल के बिहार में 400 रुपये मुझे लगता है सर्जन पेंशन से जा रहा है। तो इनके वादों का क्या नतीजा होता रहा है वो हम लोगों को पता है। आप लोगों के पास भी अभी भाजपा के कार्यकर्ता गोगो दीदी योजना लेकर के आएंगे, लेकिन उसी प्रकार से जैसे इन्होंने मां सम्मान जम्मू कश्मीर में कहने की बात की, वहां 1500 दे रहे थे, उड़ीसा में 800 रुपये देते हैं, वो उस पर भी कितने सारे शर्त हैं, और झारखंड में 2100 बोले हैं। वो 2100 इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि झारखंड सरकार ने इस योजना को धरातल पर महीने भर में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रशासनिक महकमे के भी लोग को कि राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी की सोच को, बाल विकास विभाग की मंत्री जी के निर्देश को आप लोगों ने धरातल पर उतारा। लाखों महिलाओं को, तकरीबन 50 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये महीना 2 माह से जा रहा है, और समय नहीं लगा उसको पूरा करने में। आज एक पर्ची लेकर के भेज रहे हैं, पता नहीं कब ऑनलाइन कराएंगे, कब सही में संख्या बताएंगे। लेकिन मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि इनके धोखे का जवाब हमें इनका बहिष्कार करके देना चाहिए। इनका बहिष्कार करके इन्हें अपने घर के आंगन को लांघने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। हरियाणा में किसकी मदद से वोट मांग रहे हैं आपको पता है? अंतिम समय में जब इन्हें लगा कि अब इनकी जलेबी तो बनने से रही, तो इन्होंने एक बलात्कारी बाबा राम रहीम से अपील करवाया, उसको पेरोल पे छोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऐसे बलात्कारी बाबा को जेल भेजने का काम किया, और भाजपा वैसे बाबाओं को जो हमारी बहनों के साथ गलत करते हैं उनसे वोट की अपील करा रहे हैं। ये नहीं चलेगा अब इस देश में। बलात्कारी बाबा हो या अन्य जो भी लोग हैं, वो हम महिलाओं पर अत्याचार करके सरकार बनाने की अपील करेंगे, ये हम कतई नहीं होने देंगे। आज मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, अन्य राज्यों में जाकर के पता करिए, या इनके गुजरात में भी ऐसे कई ढोंगी बाबा महिलाओं के भावनाओं के साथ खेलने का काम किए और उनके साथ गलत कृत भी किए। कई बहनें तो शायद बता नहीं पाती होंगी लिहाज से कि हम आखिर किस तरह से इस तरह की बात करें, जो ये जरूरत से ज्यादा भगवान का स्वरूप लेकर के जो बाबा बैठे हैं वो किसी अल्पसंख्यक महिला के साथ गलत नहीं कर रहे, वो हिंदू बहनों के साथ ही गलत कर रहे हैं। जो उनसे मिलने जाती, किसी परेशानी में जाकर के आशीर्वाद चाहती है, उनके साथ गलत कर रहे हैं। कहां गए भाजपा के लोग? क्यों उन्हें नहीं दिख रहा कि इन बहनों के साथ क्या हुआ? और हरियाणा में जो गलत करने वाला है उसको जवाब वहां की बहनें देंगी, वहां की खिलाड़ी देंगी। हरियाणा उन राज्यों में था जिसको खेल में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस के मंत्रियों ने किया। देश में नहीं, विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर रही थी। उन महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके साथ गलत खेल एसोसिएशन के लोगों ने ही किया। वैसे लोगों को ये लोग टिकट देते हैं, आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। महिलाएं जवाब देंगी, और इस झारखंड में भी महिलाएं ही जवाब देने का काम करेंगी कि हमारी भावनाओं से खेलकर हमें पीछे लाइन में खड़ा रखकर भाजपा बिल्कुल आगे नहीं जा सकती है। आज पहली बार झारखंड में सबसे ज्यादा बजट महिलाओं के लिए रखा गया, तो महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रखने का काम किया। 11,000 करोड़ SLPS की महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज देने का काम किया। आज वो अपने अपने घर परिवार को संभालते हुए
छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय से यह सुनिश्चित कर रही हैं कि उसके बच्चे की फीस में कभी कोई कमी ना हो। अगर वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास दो पैसे आमदनी हो जिसको वो बचा के रखती हैं अपने बच्चों के शिक्षा के लिए। महिलाओं को मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन इस 1,000 रुपये का की कीमत किसी बहन के लिए उसके परेशानी के समय में कितना होता है इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। नोटबंदी के समय हमें किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया था, हम अपने घर परिवार के कमाए हुए पैसे को थोड़ा थोड़ा बचा करके अपने घरों में रखे थे, लेकिन नोटबंदी में भी वैसे मुश्किल के लिए समय के लिए बचत करके महिलाओं ने जो पैसे को रखा था उसको भी लाइन लगा करके उनसे छीनने का काम केंद्र की सरकार ने किया। महिलाओं के लिए बजट में इतना प्रोविजन होना उनके आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं महिलाओं से कहूंगी कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें दो शब्द अच्छे लोग बोल दें, हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सराह दें, लेकिन ये काफी नहीं है। आप अगर चाहती हैं कि आपकी बेटियां आपसे बेहतर स्थिति में हो तो आपके किए हुए काम का, आपके किए हुए शारीरिक श्रम का, जो आप कभी घर परिवार के लिए खाना बना के करती हैं, कभी घर में झाड़ू पोछा करती हैं, कभी बूढ़े बुजुर्ग को संभालती हैं, उस श्रम का आर्थिक आकलन होना बहुत जरूरी है। आपके समाज में किए हुए योगदान को सरकारों को नापना और उसके मुताबिक आप लोगों के जीवन में आर्थिक योगदान करना आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी किया गया, कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है वहां भी महिलाओं को उनके खाते में पैसा दिया जा रहा है, और हमारा अपना झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के इस बुनियादी जरूरत को भी पूरा करने का काम कर रही है। मैं महिलाओं से इतना ही कहकर अपने बातों को विराम देना चाहूंगी कि समय आ गया है कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के अलावा हमारे आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी सरकारें जिम्मेदारी उठाएं। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने इसको किया है। आप लोगों का इसलिए प्यार और आशीर्वाद और